गुजरात में दिव्यांग पिछले कई वक्त से पेंशन समेत की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में दिव्यांगों की लड़ाई में सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण राम ने भी मोर्चा खोल दिया है। दिव्यांगों के आंदोलन में आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण राम ने खुद उपस्थित रहकर समर्थन दिया है। आंदोलन करने के लिए मजबूर दिव्यांगों मामले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रवीण राम ने जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांग मित्रों की पेंशन की मांग पूरी नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी उनकी लड़ाई में सहयोग करेगी और वो दिव्यांगों के लिए भगत सिंह बनने के लिए भी तैयार है। आज रोज दिव्यांग अधिकार मंच द्वारा समग्र राज्यना दिव्यांगोना मुद्दाओं ने लेने समग्र दिव्यांगों गांधीनगर खाते धरना ऊपर बैठा था त्यारे मैं पोते त्यां रूबरू जई अने आम आदमी पार्टी वती समर्थन जाहिर कर्युं छे। दुखनी बाबत ए छे के जे सरकार गुजरात में राम राज्य से भी वातो करी रही छे ए गुजरातनी अंदर आ गुजरात राज्यना दिव्यांगों के जेमने क्यांक अने क्यांक कुदरत द्वारा अन्याय थयो छे एवा लोकोने पोतानी मागणी माटे आंदोलनो करवा पड़े छे। एवा दिव्यांग व्यक्तिओने पोताने योग्य वेतन मळे योग्य पेन्शन मळे एना माटे रस्ताओ ऊपर उतरवू पड़े छे एमने धरना करवा पड़े छे। मने लागे छे के आ बाबत गुजरात राज्य माटे शर्मजनक घटना छे अने गुजरातनी भाजप सरकार आवा दिव्यांग लोकोने एमनी वातने न सांभळी अने क्यांक अने क्यांक हूँ तो एम कहूँ छूँ कि आ तो मानवतानी वात छे। आमने तो मानवतानी रूए पण एमनी साथे टेबल ऊपर बेसी अने एमना प्रश्नोनुं निराकरण करवुं जोईए परंतु सरकार एमनुं न सांभळे त्यारे आवा लोकोए आंदोलन ऊपर उतरवुं पड़े त्यारे मने एवुं लागे छे कि मानवता मरी पड़ी छे।